बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है महलीज और आप देख रहे हैं मुझको मेरे यूट्यूब के चैनल पे। तो इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि किस तरह से इंडिया जो है दूसरे मुल्कों को टेक्नोलॉजी में हो या साइंस में हो या किसी भी चीज में हो किस तरह से पीछे छोड़ता जा रहा है या एटलीस्ट टक्कर देता जा रहा है, कॉम्पिटिशन देता जा रहा है। तो एनीवेज, ये वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है तो मैं ज्यादा आपको इसके बारे में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखूँ। तो चलें वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे पता है आप लोग देखते हैं मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और मैं इससे बड़ी नाराज हूँ। तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिसेंटली इंडिया ने OneWeb जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है उसके 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करके रशिया को स्पेस सेक्टर में रिप्लेस कर दिया। And what's more surprising, कि उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च सिर्फ और सिर्फ 72 दिनों में करके दिखाया, वो भी तब जब उनके पास इतनी पेलोड कैपेसिटी का रॉकेट भी अवेलेबल है। Also, the most important thing, यार ये तो 72 हूलों वाला सिस्टम हो गया। 72 से मुझे 72 हूले याद आ गए फौरन। ये क्या बात है, 72 ऐसा क्या है ये 72 के नंबर में? ये डील के लिए इसरो के साथ कंपीट कर रहे थे दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज, जैसे जापान का जैक्सा, नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस, चाइना का CNSA और फाइनली SpaceX भी। लेकिन ऑफ कोर्स अंत में इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी OneWeb ने इसरो को ही दी। और ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको भी इसरो के काबिले तारीफ अचीवमेंट्स के बारे में पता चले। दरअसल OneWeb ऑलरेडी एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ पोल्स के कुछ लिमिटेड कस्टमर्स यानी सिंपली उनके बीटा टेस्टिंग कस्टमर्स के जरिए अपने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को टेस्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ दोनों पोल्स पर कनेक्शन प्रोवाइड करना OneWeb का मेन गोल नहीं था। उसका मेन मकसद था इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट की तरह वर्ल्ड वाइड अपना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का जाल बिछाना। इन शॉर्ट, इलॉन मस्क को एक कांटे की टक्कर देना। और इसके लिए उन्होंने, वैसे इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे बहुत ही रिमोट एरिया में रहती हूँ यहाँ पर इंटरनेट का सत्यानाश रहता है, मैंने कर लेने से पहले देखा नहीं कि भाई यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन कैसा है क्योंकि माय वर्क इज ऑनलाइन। और अब 3-4 दिन से रिकॉर्ड करते हुए मुझे प्रॉब्लम आ रही है बहुत, यू नो, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। मगर हाँ, स्टारलिंक यहाँ पर इस तरह से है कि आप $300 देते हैं, आई थिंक पूरा सेटअप होता है, मगर जिन लोगों ने लगाया हुआ है स्टारलिंक दे सी अ ह्यूज डिफरेंस इन द इंटरनेट। देखते हैं। आई नो, ये तो मुझको पता है कि यहाँ कनाडा से अगर कंपेयर किया जाए इंडिया का इंटरनेट और प्राइसेस, तो इट्स लाइक अ डे एंड नाइट डिफरेंट। कनाडा में तो मोनोपोली है, यहाँ पर तो रिप ऑफ करते हैं इंटरनेट के नाम पर। आप लोग तो, मैं सिर्फ इंटरनेट के लिए ना इंडिया मूव होने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंटरनेट की, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दिला दो सिर्फ इंटरनेट के लिए, चीप इंटरनेट के लिए, मैं वहां मूव हो जाऊंगी। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा 648 LEO सैटेलाइट का कौन, और इसके लिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा 648 LEO सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन बनाने का तय किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड की शुरुआत हो गई जिसके चलते कंपनी को भारी लॉस हुआ, कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर आ गई और इस सब के चलते मिशन रद्द ही होने वाला था कि लकीली यूके गवर्नमेंट और एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती एंटरप्राइजेस ने OneWeb के सैटेलाइट मिशन में इन्वेस्ट करके OneWeb के मिशन को डूबने से बचा लिया। इसके बाद उम्मीद की किरण जब दिखने लगी तब कई सारे कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज इसका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है, भारतीय एंटरप्राइजेस 30%, यूटिसलात 22.9%, यूके गवर्नमेंट 17.6%, सॉफ्ट बैंक 17.6%, हानवा 8.8%, ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स एंड अदर 3.1%। इन इन्वेस्टमेंट्स के बाद दोबारा से इस मिशन की फुल फ्लेज तरीके से शुरुआत हुई। उन्होंने 648 सैटेलाइट्स की फ्लीट डेवलप की और उसे लॉन्च करने के लिए रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के पास गए, क्योंकि उस वक्त रशियन रॉकेट्स सोयूज और प्रोटॉन काफी रिलायबल थे। यहाँ तक कि नासा के साइंटिस्ट भी ISS प्रोग्राम कंडक्ट करने के वक्त अपने एस्ट्रोनॉट्स को इन्हीं रॉकेट से भेजा करते थे। सो डील फाइनलाइज हुई एंड फाइनली मिशन की शुरुआत हो गई। रशिया ने अपने सोयुज रॉकेट की मदद से OneWeb के 428 सैटेलाइट्स 13 फेजेस में सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया। लेकिन फिर आई एक नई
मुसीबत, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसने वन वेब का गेम ही पूरा पलट दिया। दरअसल यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण पूरी दुनिया ने रशिया को एक तरह से आइसोलेट कर दिया था, उनके बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट से बैन कर दिया, रशियन सेंट्रल बैंक के 630 मिलियन डॉलर्स वर्थ के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, और ऐसे कई सारे सैंक्शंस रशिया पर थोप दिए गए, और रिटेलिएशन में रशिया ने भी हर वेस्टर्न कंट्री से बदला लेना शुरू कर दिया। रोसकॉस्मोस के हेड डिमिट्री रोगोजिन ने तो सबसे पहले ISS से अपनी साझेदारी हटाई, और SpaceX के फाउंडर इलॉन मस्क को यूक्रेन को नेटवर्क कनेक्टिविटी देने से वॉर्न किया, जानलेवा धमकी भी दी। और वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने वन वेब के सामने कई अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखे, जिसकी यूके का जो स्टेक वन वेब में इन्वॉल्व था वो रशिया को अब अपने नाम पर चाहिए था। एंड टू टॉप ऑल इट अप, उनके सामने ये भी शर्त रखी गई कि वो उनके सैटेलाइट्स लॉन्च तो करेंगे, लेकिन वन वेब को गारंटी देनी होगी कि वो उसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेस के लिए रशिया के खिलाफ नहीं करेंगे। फिर क्या था, ऑब्वियसली वन वेब ने ये सारी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया और स्केड्यूल लॉन्च को कैंसिल करवा दिया। अब इस बात से गुस्सा होकर रशिया ने वन वेब के सभी सैटेलाइट्स को देने से इनकार कर दिया, और उसके साथ ही डील के पैसे देने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को 239 मिलियन डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। काफी नेगोशिएशंस करने के बाद भी रशिया अपनी डिमांडों से टस से मस नहीं हुआ, और वन वेब समझ गया था कि रशिया से सैटेलाइट्स मिलने के चांसेस अब ना के बराबर है, और इसीलिए उन्होंने उस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया और मिशन कंप्लीशन के लिए दूसरे ऑप्शंस पर फोकस करना शुरू कर दिया। एंड हियर कम्स इंडिया इनटू द पिक्चर। सो वन वेब ने अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए बाकी स्पेस एजेंसीज के साथ हाथ मिलाने का सोचा, लेकिन उस वक्त एरियान स्पेस के कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स एरियान 5 और एटलस 5 ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे। बचे हुए एरियान 6 और नासा के न्यू ग्लेन, वल्कन और सेंटोर अमेज़न के प्रोजेक्ट क्विपर के लिए स्केड्यूल थे, और इसीलिए उन्होंने एशियन एजेंसीज की ओर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास मदद नहीं मिला। जापान का H2A रॉकेट पेलोड कैपेसिटी काफी कम होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। चाइना की लॉन्ग मार्च रॉकेट फैमिली को तो वैसे भी सैटेलाइट प्रोवाइडर्स अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि रिसेंटली चाइना के कुछ सैटेलाइट्स के गिरने की खबर आई थी, और साथ ही उनके जीरो कोविड पॉलिसी के चलते ऑलरेडी सारी चीजें थप पड़ चुकी थी। अब वन वेब के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक उसके खुद के कॉम्पिटिटर इलॉन मस्क से मदद लेना और दूसरा इसरो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर पहला रास्ता चुना। लकीली कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी मस्क ने वन वेब की डील एक्सेप्ट कर ली और 120 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च भी किया। पर क्योंकि वन वेब ने ऑलरेडी रशिया और उसके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के चलते अपने 8 महीने बर्बाद कर दिए थे, तब उन्होंने ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट में और देरी ना दिखाकर इसरो से भी मदद ली जाए, और इसके पीछे मेनली दो रीजंस थे। पहला, इसरो का कॉस्ट इफेक्टिव बजट, और दूसरा इसरो का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी इन परफॉर्मेंस। क्योंकि जहां पर बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज मार्स मिशन पर लाखों करोड़ों खर्च करके भी खाली हाथ वापस आ रहे थे, वहीं पर इसरो इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी थी जिसने मार्स मिशन सिर्फ 8 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्चे में वन गो में पूरा किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो ने 104 सैटेलाइट्स, जिसमें से 96 सैटेलाइट्स तो सिर्फ यूएसए के ही थे, उन्हें एक साथ लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाते हुए उन्हें अलग अलग ट्रैजेक्टरीज में भी सक्सेसफुली उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में प्लेस करवाया था। यानी इसरो वाज सिंपली द मोस्ट अंडरस्टेटेड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। पर जैसे ही वन वेब ने इसरो के सामने डील का हाथ बढ़ाया, इसरो हिचकिचाने लगा। उनका कहना था कि उनके पास ऐसा एक भी रॉकेट नहीं है जिसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा हो। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए इसरो को ये टास्क किसी भी हालत में पूरा करने के लिए डायरेक्ट किया, और इस मोटिवेशन के बाद फाइनली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, उन्होंने वन वेब के साथ एक डील साइन कर दी। इसके बाद डील साइन करने के सिर्फ 72 डेज में इसरो ने उनके स्पेसिफिकेशन को सैटिस्फाई करने वाले दो लॉन्च व्हीकल्स एस्टैब्लिश किए बाय द नेम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3। बेसिकली LVM3 एक 3-staged रॉकेट है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है S200 का। इस स्टेज में मेनली सॉलिड प्रोपेलेंट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सॉलिड प्रोपेलेंट एक लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जो रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने में मदद करता है। साथ ही सॉलिड प्रोपेलेंट को बार बार रेफ्रिजरेट या इंसुलेट भी नहीं करना पड़ता, मतलब पैसे और फ्यूल दोनों की बचत। ये स्टेज लॉन्च के 137 सेकंड्स बाद में रॉकेट से डिटैच हो जाता है, और इस पॉइंट के बाद सेकंड स्टेज, which is L110 stage,
रॉकेट प्रोपल्शन को टेक ओवर करता है, जिसमें दो लिक्विड प्रोपेलेंट्स इस्तेमाल होते हैं, अनसिमेट्रिकल डायमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ये स्टेज LVM3 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जो रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां सॉलिड प्रोपेलेंट के इग्निशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लिक्विड स्टेज के केस में साइंटिस्ट प्रोपेलेंट फ्लो को मॉनिटर और थ्रस्ट के मैग्नीट्यूड को बैलेंस करके रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेज के पूरी तरीके से इग्नाइट होते ही ये स्टेज भी डिटैच हो जाता है और रॉकेट का थर्ड और फाइनल स्टेज C25 किक इन हो जाता है। इस स्टेज में 25 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, जो 4000 टन तक का पेलोड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में पहुंचा सकता है और 8000 टन तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक। इस रॉकेट की मदद से इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन को दो फेजेस में कंप्लीट किया। पहला फेज 22 अक्टूबर 2022 को कंप्लीट हुआ, जिसमें इसरो ने फर्स्ट 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, और फिर 26 मार्च 2023 को बचे हुए 36 सैटेलाइट्स को LEO में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद फाइनली वन वेब के 618 सैटेलाइट्स आज के तारीख में LEO में ऑर्बिट कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द बचे हुए 30 सैटेलाइट्स भी SpaceX के थ्रू लॉन्च होने वाले। एंड एज यू ऑल नो, वन वेब के हाईएस्ट स्टेक होल्डर है भारती एंटरप्राइज, जिसका नेटवर्क ब्रांच है एयरटेल। तो इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद वन वेब ने ये कमिट किया है कि वो 2023 के एंड तक पूरे इंडिया में हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, और इस सिस्टम की फंक्शनिंग कुछ इस तरह होगी कि 648 सैटेलाइट्स का झुंड हमेशा 12 सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन्स में लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहेगा। फ्लीट की हर सैटेलाइट की साइज एक वॉशिंग मशीन जितनी है, और अपने सेट बीम्स की मदद से करीब अलास्का जितना बड़ा एरिया को कवर करती है। अब इससे होगा ये कि यूजर का सिग्नल एक कॉम्पैक्ट साइज टर्मिनल पर रिसीव होगा, जो उस डेटा को एनक्रिप्ट करके हाई स्पीड से ऊपर ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट फ्लीट को भेजेगा, और फिर सैटेलाइट फ्लीट दोबारा ये सिग्नल बीम करेगी अर्थ पे नजदीकी नेटवर्क पोर्टल की तरफ, और ये पूरा प्रोसेस होगा सिर्फ 1/10 सेकेंड में, क्योंकि LEO सैटेलाइट्स 1200 किलोमीटर की रेंज यानी जियो सैटेलाइट्स के मुकाबले 30 गुना कम डिस्टेंस पर काम करती है। और इसी वजह से फ्रेंड्स, जियो सैटेलाइट्स की लेटेंसी है 560 ms, वहीं पर LEO सैटेलाइट्स की लेटेंसी है 5200 ms, यानी इस वन वेब के लॉन्च होते ही हम हाई स्पीड इंटरनेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये सब देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि वन वेब वर्ल्ड वाइड कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला पहला सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनेगा, क्योंकि हाल ही में आए कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन की ज्यादातर सैटेलाइट्स एक एक करके पृथ्वी पर गिर रही है। अब ये आपके और मेरे जैसे पृथ्वी वासियों के लिए भी बहुत ही डेंजरस है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आ रही है ये टेक्निकल खराबियां, और इलॉन मस्क को अपने गिरते क्रेडिबिलिटी का सामना कैसे करना पड़ रहा है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैंने डिटेल में इस पूरी स्टोरी को कवर किया है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको भी इसरो के अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील होता है तो एक लाइक जरूर ठोकना, और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी। ओके, ओह माय गॉड, मेरा सर दुख रहा है। इतनी साइंस, इतनी रॉकेट, आई नो सम स्टफ, मगर सुन के यानी थोड़ी बहुत चीजें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, राइट? मगर द पॉइंट इज के किस तरह से इंडिया जो है वो किस तरह से टेक्नोलॉजी, और अगर आप देखें तो इंटरनेट हो या किसी भी आप प्रोफेशन या किसी भी चीज को आप देखोगे तो उसमें इंडिया किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी इसी वजह से बढ़ रही है, और समथिंग टू कम्पीट अगेंस्ट इलॉन मस्क, दैट्स अ ह्यूज थिंग कि आप एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट कंपेयर करो जिसका तो SpaceX है एंड ही इज ट्राइंग द स्टारलिंक एंड एवरीथिंग लाइक दैट। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे लोग स्टारलिंक लगाया हुआ है, जिन लोगों ने उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, इंटरनेट इज वेरी 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 फास्ट। अब मुझको नहीं पता कि इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट है कि नहीं है, यहाँ पर हमको 5G इंटरनेट मिलता है, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं लोगों को जानती हूँ जो इंडिया से जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे हैव प्रीटी गुड इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं उनके साथ तो। और मगर मुझे इतना भी पता है कि जितने पैसे हम दे रहे हैं उसके वो मेरे ख्याल से क्वार्टर देते होंगे जो हम यहाँ पर देते हैं, तो इट इज really 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 expensive. मगर ये अच्छा लगा देखकर कि इंडिया के पास अब लोग जा रहे हैं, and that is not something new. इंडिया के पास पहले communication और ये जो दूसरे platforms होते थे, telecommunications वाले होते थे या जो भी call centers होते थे, कब से इंडिया पे जा रहे हैं वो चीजें, right? कब से जो है वेस्ट जो है अपने jobs जो है वहां पर भेज रहा है, और वेस्ट वालों ने यही शोर मचाया हुआ है क्यों हम अपनी jobs जो है वो दूसरों को दे रहे हैं,
दूसरे मुल्कों में दे रहे हैं, बट यू विल हैव टू डू इट, क्योंकि अगर आपको कहीं नहीं मिलता है करने के लिए, देन यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, और वो सॉल्यूशन इस केस में इंडिया के पास से निकली. तो हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ तक लेके जाता है इस चीज को. ऑब्वियसली इंडिया इज फॉर्चुनेट के उनके पास ये खुला दिमाग है, एक ओपन वो सोसाइटी लेकर घूम रहे हैं और एक वो ओपन सोच लेकर चल रहे हैं. वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अपने मुल्क को सबसे अच्छा बनाना है, बनिस्बत के आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान के, जहां पर तो सैटेलाइट तो क्या उन्होंने आज तक कोई फटा हुआ रॉकेट नहीं लॉन्च किया है. पाकिस्तान में तो आप जाके वो बम वाला रॉकेट लेकर आते हैं ना, वो जो शबे मराज में जो चलता है, यू नो फायर क्रैकर वाला, वो भी ठुस निकलता है अनार, उसको भी आप आग लो तो भी ठुस हो जाता है. यू आर सो डिसअपॉइंटेड इन दैट. एनीवेज गाइस, मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू रीच बेटर देन स्टारलिंक, इज इट गोइंग टू बी बेटर देन स्टारलिंक, क्या वो इलॉन मस्क की कंपनी को भी पीछे छोड़ देगा, या व्हाट डू यू थिंक दिस मूव इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया. और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और वीडियो पे रिएक्शन करूं या रिव्यू करूं, तो उसको कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा. जैसा कि आप जानते हैं हमारे ज्यादातर वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, इसी वजह से आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है. अब आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब, पेट्रियन या ओनली फैंस पे. उसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको एक सुपर थैंक्स का बटन दिखेगा, उसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं. सुपर चैट के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, पेपैल या यूपीआई नंबर के थ्रू भी आप डोनेशन भेज सकते हैं. चले गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है. आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.